देखो पहले जब दो टीके लिए थे हमको लगता था उनको होगा ही नहीं कोविड, हाँ, ये एक तो धारणा थी लोगों में हाँ कि उनको कोविड कभी नहीं होगा। हाँ और वो हमारे न्यूज़ मीडिया भी वही स्टोरी कि दो डोज लिए थे फिर भी कोविड हुआ। अरे ये क्या स्टोरी है? स्टोरी क्या होनी चाहिए? दो डोज लिए थे कोविड हुआ था, डोज लिए थे इसलिए बच गया, दो डोज लिए थे कोविड है उसमें कोई स्टोरी ही नहीं है ना। तो हमको लगा था कोविड होगा ही नहीं, लेकिन ओरिजिनल कोविड के खिलाफ शायद कोविशील्ड और कोवैक्सीन 78% थे, डेल्टा के अगेंस्ट 50% है, ओमिक्रॉन के अगेंस्ट 30% है, तो 70% चांस है आपको फिर भी कोविड होने का, लेकिन सीरियस डिसीज ज़्यादातर नहीं होगा, 90% जीरो नहीं है, 90% से भी ज़्यादा चांस है कि आपको सीरियस डिसीज नहीं होगा। तो आपका टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप ऐसे आदमी को ना दे कि जिसको प्रोटेक्शन नहीं है। अगर सबने वैक्सीन ली है तो फिर सीरियस डिसीज होने का चांस सब में कम है सब ना, में कम। तो सबको वैक्सीन दे दो, सबको वैक्सीन दे दो, और जो लोग लेना चाहते हैं उनको बूस्टर दे दो। जी। बूस्टर से मामूली डिसीज होना भी कम हो जाएगा और फैलना भी कम हो जाएगा। तो बूस्टर से ज़्यादा मेरा मानना क्या है कि हम अगर उसको जानते हैं कि रोक नहीं सकते और कह रहे हैं कि फरवरी में तीसरी लहर आएगी, तो ये लहर आएगी ये कहने के लिए एक्सपर्ट की क्या जरूरी है? सब सुरमा भोपाली कहते हैं कि हाँ ऐसा होने वाला है, अभी कुछ करके दिखाओ ना उसको, उसको रोक के दिखाओ ना। 10 लाख लोग 3 महीने में मरने वाले अभी पता है ना, तो 10 लाख के 9 लाख करो, 9 लाख के कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा तीसरी लहर वगैरह कुछ आने वाली नहीं है। अभी हमारी 25% आबादी 25 के 18 के नीचे है, उनका कोई वैक्सीन है ही नहीं। जी मैं आपके सवाल पूछने के पहले ही आपको कह देता हूँ, मैं कुछ न जी कहूँ और ये चाहूँ मेरी बात खुशबू की तरह उड़कर तुम्हारे दिल में उतर जाए, कुछ नहीं थर्ड वेव वगैरह नहीं आ रहा है, छोड़ दो यार। तो वो 25% पॉपुलेशन वैसा ही पड़ा है। दूसरी लहर में काफी लोगों को, उनमें से भी 18 के नीचे को भी मामूली कोविड हुआ था, उनको पता भी नहीं था, वैसा उनका प्रोटेक्शन है। लेकिन जो माँ बाप एंशियस है और बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, अगर बच्चे स्कूल में नहीं तो कुछ उनके मानसिक दुष्परिणाम हो गए तो वो 50-60 साल रहेंगे, ये पैंडेमिक तो 1-2 साल का है, 50-60 साल का घाटा हो जाएगा। तो ये पेरेंट का एंजाइटी कम करने के लिए जो लो रिस्क वैक्सीन है, अगर पेरेंट्स लेना चाहते हो तो लेने दो ना, आप बीच में क्यों आते हो? मैंने एक ट्वीट भेजा था कई कई दिन पहले जब वैक्सीन आए थे, तो पहला बेटा कहता है कि मेरे पास दौलत इज्जत शौहरत और वैक्सीन है, दूसरा बेटा कहता है मेरे पास माँ है। मैं कहता हूँ दोनों मिलके माँ को डोज लगवा दो ना, अभी डिस्कस क्या कर रहे हो? तो अभी माँ को कौन बोलने वाला है माँ क्या करना चाहिए? अगर माँ अपने बेटे को देना चाहती है वैक्सीन, तो बाकी के लोग कौन आते हैं बीच में आने वाले? मम्मी को जो करना है करने दो ना बेटे के साथ। जी तो बच्चों का वैक्सीन चालू करो, बूस्टर जो लोग लेना चाहते हैं उनको दे दो, अगर ये किया तो एकदम अच्छा हो जाएगा, अगर ये नहीं भी किया तो भी तीसरी लहर नहीं आएगी।